पता नहीं लोग नए साल का इतनी बेसब्री से इंतजार क्यों करते हैं, जबकि उखड़ना इनसे तब भी कुछ नहीं है। मोटू भाई, तुम्हारे हाथ पैर कैसे टूट गए? चपलू, लड़की का फोन रिचार्ज करवाने के चक्कर में। मोटू, क्यों भाई, रिचार्ज के पैसे नहीं दिए क्या? चपलू, अरे भाई, जिस दुकान पे रिचार्ज कराने गया था वो दुकानदार लड़की का भाई निकला। टीवी का रिमोट नीचे गिर गया और ठंड में रजाई से निकलकर रिमोट उठाने की बजाय मैं आधे घंटे तक नाप तोड़ पर मोबाइल का विज्ञापन देखता रहा। पड़ोस के अंकल जी बुरी तरह घायल हो गए। बैटरी ब्लास्ट नहीं हुई बल्कि फोन का पासवर्ड पत्नी को पता चल गया। मैं सर्दियों में रोज नहाता हूँ और मेरे यहाँ 10 दिन बाद को रोज कहते हैं। वे तुम्हें रोज नहाने के फायदे बताएंगे, लेकिन तुम जल है तो कल है पर अरे रहना। डॉक्टर, मरीज को 1 घंटा पहले लाते तो हम इसे बचा लेते। पप्पू, आधा घंटा पहले तो इसका एक्सीडेंट हुआ, 1 घंटे पहले क्या जबरदस्ती उठा लाते। एक आदमी हवाई जहाज से उतरा तो दरवाजे पर खड़ी एयर होस्टेस बोली, उम्मीद है फ्लाइट में आपको घर जैसा माहौल मिला होगा। आदमी बोला, जी बिल्कुल नहीं, घर में तो मेरी कोई सुनता ही नहीं, लेकिन यहाँ तो एक बटन दबाते ही 4-4 आ जाते हैं। सोनू, मेरा अब दुनिया से विश्वास उठने लगा है। मोनू, क्यों क्या हुआ? सोनू, यार फेसबुक पर अंग्रेजी में लंबे लंबे पोस्ट करने वाले लोग भी कस्टमर केयर में हिंदी के लिए 2 दबाते हैं। पप्पू एग्जाम हॉल में परेशान बैठा था। टीचर, क्या हुआ, सवाल मुश्किल है क्या? पप्पू, नहीं सर, मैं तो ये सोच रहा हूँ कि इस सवाल का जवाब किस जेब में है। 4 लड़के बाइक पर बैठकर जा रहे थे, तभी पुलिस वालों ने रोका। पुलिस वाला, तुम सब लोगों को नहीं पता है कि बाइक पर 3 लोगों से ज्यादा की सवारी बैठाना मना है और तुम 4 बैठे हो? बाइक चलाने वाला पीछे देखकर चौंका और बोला, अरे सालों, 5वां बंदा कहाँ गया? दोस्तों, नए नए जोक्स के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।